मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिवंडी के भंडारी कंपाउंड से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां मनपा स्कूल के गेट का मार्बल एक 4 साल के बच्चे पर गिर गया और उसकी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक शंकर प्रसाद कुशवाहा अपने परिवार के साथ भिवंडी शहर में कुछ महीने पहले ही उत्तर प्रदेश से रहने आए, मगर मनपा स्कूल क्रमांक 72 का जर्जर हो चुका गेट का मार्बल अचानक शंकर प्रसाद के 4 साल के बेटे आयुष कुशवाहा के ऊपर खेलते समय गिर गया, जिसकी वजह से उसके सर में काफ़ी चोट लगी। गंभीर हालत में उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, मगर वहां डॉक्टरों ने उसे IGM हॉस्पिटल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान 4 साल के आयुष कुशवाहा की मौत हो गई। इस घटना को लेकर मृतक बच्चे के पिता शंकर प्रसाद कुशवाहा और उनके पड़ोसी ने क्या कुछ बताया है, आपको सुनाते हैं। जी, मैं ड्यूटी पे से अभी घर पे आया हूँ, तो बाजू में से एक भैया का वाइफ थी, तो वही बताइए कि एक भंडारी में हॉस्पिटल है, उसी में भर्ती है, तो मैं वहाँ पे भाग के गया, तो वहाँ से पता चला कि अपना इंदिरा हॉस्पिटल में भेज दिया गया, फिर मैं वहाँ से यहाँ भाग के आया। यहाँ क्या पता चला? यहाँ पे आया तो डायरेक्ट मेरे बच्चे से मिला, तो बच्चे को नहीं क्या पता चला आपको, कैसे क्या ये पूरा मामला हुआ? बच्चे का ब्लड से मुंह एकदम ढका हुआ था। किस तरह से ये मामला हुआ, स्कूल में खेलते हुए हुआ? अब वो तो हमको पता नहीं है, मैं तो कोई देखा नहीं हूँ, मैं जैसे ड्यूटी पर से आया तो वैसे पता चला कि हॉस्पिटल में भर्ती है, मार लगा। हमारे पड़ोसी हैं और इनका जूस का दुकान है, जो गाला के सामने इनका जूस का दुकान है, तो वहाँ इनके बच्चे हैं, दो लड़की है, एक लड़का है, तो उनका लड़का अक्सर वहाँ स्कूल के पास खेलते रहता है। बाजू में एक म्यूनसिपाल्टी का स्कूल है, तो स्कूल का वो जो स्कूल नंबर कितना 72, स्कूल में 72 है, तो उसके गेट के बाहर लड़का खेल रहा था, अचानक खेलते खेलते वो स्कूल के जो गेट पे जो मार्बल लगा हुआ है, लगभग 2x3 का मार्बल होगा, तो मार्बल अचानक लड़के को गिरता है और उसके सर से ब्लड आना चालू हो जाता है। फिर हम लोग आसपास जो लोग थे, देखने के बाद में उसको लेके आए यहाँ पे हॉस्पिटल में, पहले भंडारी कंपाउंड के सनलाइट हॉस्पिटल में गए, तो वहाँ उन्होंने फिर हमको बोला कि आप इंदिरा लेके जाओ, इंदिरा गांधी लाते लाते लड़का रास्ते में डेड हो गया।